गाइस वेलकम। अभी फाइनली हम डेंटिस्ट के पास आज दोबारा आए हैं और इस बार बहुत ज़्यादा कन्विंस करके तनू को लाए हैं यहाँ पे। और अभी हम इतना रोती ड्रामा करते हैं, हम लोग हिम्मत नहीं हो रहा उसको देख के आगे दोनों जो है यहाँ आ रही है। एक दांत निकल गया है और जैसे अभी हमने बोली दोनों आज ही निकाल देंगे, तो फिर उसको लेकर आना और गिराना बहुत बहुत डेंजरस है बाप। तनु आती है दांत निकलवा, मतलब अपना वो करवा करे डॉक्टर के पास आती है तो मैं उससे मिलवाता हूँ और उसका रिएक्शन आज फाइनली दिखाता हूँ कि आफ्टर मतलब उसके आवाज़ आ रही होगी आपको, वो आती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप पापा आपको नहीं भेजेंगे बोर्डिंग, बोर्डिंग कैंसिल हो गया एक साल के लिए। ठीक है, क्या बेटा टीथ है दर्द हो रहा है? अब नहीं हो रहा है तो फिर रो क्यों रहे? जब दर्द नहीं हो रहा तो रो क्यों रही हो? बस देख कर हैं, देख कर हां टीथ टूट गया है। ये तुम बोल रहे हो और मैं मत बोलो, ये बोलो नो बोलो। क्या बोल रही हो? ब्लड आ रहा है, दोनों पूरा एकदम को पियाते हुए जाएगी। अब वो कहानी सुना रही है, मेरा टीथ का पेन, वो इसका पेन, दोनों का पेन। देखिए रास्ते में उसको दिख गया सेल 150, पता नहीं कितने 100 रुपये। इसका रखो या फेंक दो उसको, क्या करोगी? फेंक दो तो नाली फेंक दो पीछे। ये पिगी बैग में रखने के लिए। पिगी बैग में रखोगे? पिगी बैग में नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे कुली तो ही चाहिए। क्या अभी पसंद आ रहा कुछ? तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। अब ये ब्लड निकल रहा है तो उसका आइसक्रीम चाहिए, उसको ब्लड जमाने के लिए। कौन सा मैंगो या ऑरेंज? उसमें नहीं है बेटा, बोलो ना। वो यहाँ देखो, ये सब ये ज्यादा ठंडा रहेगा ना तो वो ब्लड रोकेगा। ठीक, ऑरेंज मैंगो। कौन सा ली तुमने? मैंगो आइसक्रीम। असली आम ली ली। अरे बाप, देखो इसमें ब्लड लग गया, नहीं लगा? चलिए ना, आप ज्यादा मत दिखलाइए। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम 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 तो हो चुका है आई थिंक इस व्लॉग में। वेलकम तो हो चुका है इस व्लॉग में, है ना? कल तनिषा का हम लोग गए थे दांत निकलवाने के लिए, तभी आई थिंक हो गया था। तो अभी सुबह सुबह मैं यहाँ चाय लेकर आई हूँ। देखिए इनका चाय है, मेरा ग्रीन टी है और साथ में ये डेट्स है जो कि इनके लिए ज़रूरी है। आई थिंक डेट्स से गैस का भी जो प्रॉब्लम होता है वो सही होता है जो, तो इनको कुछ लोग उपदेश दिए थे कि खाओ खजूर खाओ सुबह सुबह 3-4, उससे आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा तो सर में दर्द नहीं होगा। इनका प्रॉब्लम बस ये है, गैस तो इनका रिलीज अच्छे से होता है हर समय, ऐसा नहीं है कि पेट में भरा हुआ है तो फिर दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब ये खाना टाइम से नहीं खाते हैं तो थोड़ा इनको सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनके लिए है गिफ्ट, लीजिए खाइए। अभी खाए अभी तक नहीं है, मैं तो कल दिन में बैठ खा रही थी, सुबह खाई हूँ दोपहर में खाई हूँ, लेकिन ये नहीं खाया है। और ये तनिषा जो है ना ये सोती है तो आधा बेड
कि इधर आ जाती है तो पापा में चिपक जाती है और मैं तो एकदम आराम से सोती हूँ। ये बोलते हैं कि मेरे में ही चिपक जाती है, हम ही नहीं सो पाते हैं। बोलिएगा कुछ। मैं जाऊंगा उस रूम में सोने। अब ये बोल रहे हैं तुम दोनों इधर सो, जगह नहीं बच रहा है, मैं उस रूम में सोऊंगा, उधर एक कूलर एसी लगा लूंगा एक टन का। हम बोले अच्छा एसी लगाइएगा, तो बोले नहीं नहीं कूलर लगा लेंगे, तुम लोग इधर आराम से सोना है ना। तब सोइए आराम से। मैं तो सोती ही हूँ, मुझे तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा जगह मेरा है, साइड वाला उधर वाला। तनु एकदम इधर सो जाती है, ये एकदम इतना थोड़ा समय सोते हैं। ये मच्छर उड़ रहा है उसके पास गया, सर पे सर पे सर पे चला गया। तो ये दिक्कत है, उसको निकालिए ना, खाइए तो खोलिएगा उसको। खाते कुछ नहीं है, लाएंगे सब कुछ लेकिन खाएंगे कुछ भी नहीं। अब इसे खुल ही नहीं रहा है डब्बा। एसी से लाए तो उसको उठा दीजिए ना। मुझे तो अच्छा लगा। हाय हाय ये नहीं खाएंगे, ये इसको पैक करेंगे, मुझे पता है। लाई हूँ, लिए थे इन्हीं के लिए। तो गर्स उसके भी खाएं, ऐसे खा ले पहले। शेर कभी मुंह नहीं धोता है। शेर कभी वो भी नहीं धोता है। क्या? वही। व्लॉग है तो क्या, यहाँ डबल मीनिंग मत कीजिए। आपने बोला शेर का मुंह नहीं धोता है, तो ये तो बोले शेर का पिछवाड़ा भी नहीं धोता है। आप नहीं धोते होंगे। शेर भी नहीं धोती है। अब चुप रहिए, मैं रखती हूँ ठीक है। हम लोग चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ इडली। तो ये देखिए ये चटनी है, और चटनी में क्या है, क्या है आखिर इसमें, क्यों इतना टेस्टी लगता है चटनी? तो इसमें है चने की दाल, मूंगफली और नारियल, और हाँ मिर्ची भी है और लहसुन भी है। तो ये सब डाल के मैं चटनी बना रही हूँ। चने की दाल और मूंगफली को फ्राई नहीं भून दी हूँ मैं। और ये है मेरा बैटर। तो बैटर मैंने थोड़ी देर पहले ही, जब मैं मतलब पौने घंटा हो रहा है अभी, ये पर टाइट है अभी, इसमें मैं पानी डालूंगी। और ये बैटर मैं पहले ही तैयार करके रख दी थी। सूजी की इडली बना रही हूँ, रवा इडली। तो सूजी है और दही है, थोड़ा सा मैं उसमें दूध भी डाली थी उसे मिक्स करने के लिए। तो इसी ही मैं आज सुबह सुबह हेल्दी वाली ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और हस्बैंड भी नहा रहे हैं, जल्दी से मैं बना लूँ जिससे कि वो खा ले, लेके चले जाए लंच में, यही मैं उनको लंच में दे रही हूँ। तो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो यही है, दोपहर में भी मैं खा लेती हूँ। तनु को बहुत पसंद है इडली, उसे फ्राइड इडली पसंद है, जो इडली मैं बनाऊँगी उसके बाद उसको कट करके चार पीसेस में उसको फ्राई करके उसको देती हूँ, वो उसे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाती हूँ जिससे कि हस्बैंड को भी लेट ना हो, वरना ये फिर मुझे पीछे से ताना मारते हैं कि तुम्हारे वजह से ही लेट होता रहता है मुझे हमेशा ऑफिस जाने में। और हाँ इसे तो दिखाए नहीं, ये देखिए इसका स्टाइल क्या है, सोने का बच्चा का मेरा। वाह तेज, ओहो एक दांत इसका निकल गया है, उसके नीचे से भी दांत भी आ रहा है, वही मैं इसको बोली देखो दांत आ रहा है। तो ये सोची कि जब कल ही मतलब आज मैं दांत निकलवाई और दांत भी आ गया मेरा, एकदम खुशी के मारे पागल हो गई है। और एक दांत जो आगे के साइड इसका हुआ है ना, आगे के साइड जो निकल रहा है उसमें पीछे से दांत आ रहा है परमानेंट। तो अभी वो डॉक्टर ने हिलाया इसका, मतलब मुझसे ज़्यादा तो उसके पापा को तकलीफ हो रहा था जब इसकी आवाज़ आ रही थी रोने की अंदर से, बोल रहे हैं जाकर देखिए ना, जाकर देखिए ना, रो रही है एकदम इमोशनल हो गए थे। फिर मैं गई पीछे से, ये भी आया, फिर जो कॉटन लगा हुआ था मुँह में वो देखे ब्लड से भरा हुआ था, उसके कपड़े में भी मतलब ब्लड ब्लड गिरा हुआ था। पता नहीं क्या बोले, पेरेंट्स लोग ही इसको फील कर सकते हैं कैसा लगता है जब उनके सामने बच्चों को अगर कोई तकलीफ होता है। तो चलिए बहुत इमोशनल हो रही हूँ, जा रही हूँ जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बनाने। हे गाइस,
तो सुबह सुबह ये जो है मेरा व्लॉग बना रही थी, जब मैं सो करके उठता हूँ ना तो मैं बिल्कुल भौकाल जैसा दिखता हूँ। भौकाल मतलब वो वाला भौकाल नहीं, उल्टा भौकाल का जस्ट अपोजिट। दिखते हैं बोका। ए, मारेंगे बस। वो होता है ना, देखने में लगता है कि बोका ऐसे। तो अब मैं नहा धोकर के बिल्कुल फ्रेश रेडी हो चुका हूँ, अब मैं ऑफिस के लिए जा निकल रहा हूँ। और ये देखिए बिलवाई क्या बनाई है, आयो इडली, इडली वड़ा साउथ इंडियन। मुझे मतलब ये लगता है ना कि मतलब बहुत सारे लोग ऑफिस में ये सोचते हैं कि यार ये मतलब मैक्सिमम टाइम साउथ इंडियन डिश लाता है, जरूर इसका कोई ना कोई जड़ जुड़ा हुआ है साउथ इंडिया से। यही जड़ है जो मेरे घर में है। ए जड़। हाँ, बोलिए। ये वाली जड़ जो है ना साउथ इंडिया की है। मैं तो सब जगह की हूँ आपको पता है, क्योंकि मुझे सब जगह का मतलब इंडिया के कोने कोने में क्या क्या खाना बनता है वो सब आता है। मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर छक्के छुड़ा देती है मेरी। वो तो सबको जानता है, ये वीडियो देखता होगा तो। तो साउथ इंडियन डिश खा करके, हेल्दी हेल्दी फूड खा करके अभी मतलब हम लोगों ने कुछ हेल्दी सा स्टार्ट किया है। आज मेरा पहला दिन है इसका, शायद दूसरा या तीसरा दिन होगा, दूसरा दिन है। तो सुबह सुबह चाय हटाइएगा तब वो हेल्दी होगा। सुबह की चाय स्किप कीजिए। अरे यार हो, चाय पीजिए। सुबह सुबह हम लोग अब खजूर खाते हैं। खजूर खाते हैं, खजूर खाते हैं, खजूर खाते हैं। उसके बाद फिर अभी अब इडली मिल रहा है, मतलब अब पराठे अराठे छोड़ दिया। अच्छा, आज के लिए केवल। हाँ तो आज के लिए बोल रहा हूँ, मैं भी कहा बोल रहा हूँ। एक दिन के लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ऑफिस में जाकर के, ऑफिस में क्या मिलेगा मुझे खाने के लिए? यही दे रही हूँ यार, ये बड़ा बेकार। मतलब दोपहर, सुबह दोपहर तक एक जैसा खाना, फिर शाम में पता नहीं अगर बच जाएगा तो वही खिलाएगी हमको। चलिए मुझे लेट भी हो रहा है, जल्दी से मैं नाश्ता करता हूँ और भागता हूँ ऑफिस के लिए। आजकल मैं बाइक से जा रहा हूँ। Bye.